गाइस ये देखो पानी का बहाव है, ये पुल से देखो नदी का। गाइस ये पानी का बहाव है, ये देखो ये पुल से। अरे बहुत ही डरावना लग रहा गाइस, देखिएगा। गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज का ब्लॉग कुछ खास होने वाला है। गाइस आज का ब्लॉग जो है वो भारत से नेपाल सीमा का है। आज हम भारत से नेपाल जा रहे हैं, वहाँ का आपको वीडियो पूरा दिखाएंगे, ब्लॉग पूरा बनाएंगे, दिखाएंगे वहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, कैसा वहाँ का रहन सहन है। हमारे साथ में है रामशरण जी, हमारे चाचा जी और कई हमारे टीम के साथी हैं जो साथ में जा रहे हैं। और ये हम लोग एकदम बॉर्डर के पास पहुँच गए हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं, बॉर्डर से एकदम पास पहुँच चुके हैं। ये रोड है जो गई हुई है, ये इसे बनबसा रोड है, इसी रोड से जाएंगे। आगे नहर है, नहर के बाद बॉर्डर का गेट मिलेगा, वहाँ से हम लोग जाएंगे। और ये इसी के पास में बनबसा गांव है, इसीलिए इसका नाम बनबसा पड़ा। ये रोड है, ये सब यहाँ पर। उधर से आगे क्यों हम लोग जा रहे हैं, इधर से ये गाड़ियाँ आ रही हैं, देखो पीछे से बनाने। देखो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये सब गाड़ियाँ जा रही हैं। और पीछे हम लोग टनकपुर से आए हुए हैं। आगे ये बनबसा बांध है, रोड है, इसी में यहाँ पर बिजली भी बनती है, क्योंकि बनबसा बांध वहीं पर लगा हुआ, उसे इसीलिए नाम पड़ा है बनबसा। बिल्कुल हम लोग एकदम बॉर्डर के पास पहुँचने वाले हैं, फिर अभी हम दिखाएंगे कैसे यहाँ से गेट से अंदर जाया जाता है और यहाँ का नेपाल का कैसा रहन सहन है, यहाँ का कैसा खाना है, कैसे कैसे यहाँ पर क्या क्या सामान मिलता है, सब दिखाएंगे हम आपको। आप हमारे वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा होने वाला है गाइस। फाइनली हम लोग एकदम पहुंचने वाले हैं, आप बस नज़रें जमाए रखिएगा, मात्र 2 मिनट के अंदर हम लोग अभी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बहुत महज 100-200 मीटर की दूरी बची है बॉर्डर से, हम लोग पहुंच रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे कि बॉर्डर पर कैसे यहां पर अंदर जाया जाता है और कैसे कैसे यहां पर क्या क्या सामान मिलता है और यहाँ के लोग क्या क्या चीज़ खाते हैं, हम सब आपको दिखाने वाले हैं। आप हमारा वीडियो छोड़िएगा मत, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो आप लोग समझ लीजिए कि मज़ा नहीं आएगा, देख नहीं पाएंगे हम लोग क्या क्या अजब चीज़ गजब चीज़ दिखाएंगे आपको। इसीलिए आप हमारे वीडियो का पूरा आनंद जरूर लीजिएगा। ये देखिए पीछे गाइस, ये यहाँ पर ये देखो नहर है गाइस, ये नहर है, इसे शारदा नहर भी बोला जाता है, बनबसा नहर भी बोला जाता है, और यहाँ हमारे यहाँ यूपी में इसे गाइस इंदिरा नहर भी बोला जाता है। कहा जाता है कि इसे इंदिरा गांधी ने खुदवाया था। गाइस हम लोग एकदम पुल के पास पहुंचने वाले हैं, पुल के आगे निकलने के बाद हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे, वहां पर नेपाल की सीमा है, नेपाल के अंदर जाएंगे, वहीं से एंट्री होगी। फिर गाइस हम लोग आपको वीडियो दिखाएंगे कि कैसे यहाँ पर लोग खाना खाते हैं, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं और यहाँ पर किस चीज़ का मंदिर है, हम सब ये भी दिखाएंगे किस भगवान के मंदिर है, यहाँ पर कैसी पूजा होती है और यहाँ पर क्या क्या रेट, कितने में क्या क्या सामान मिलता है, हम सब कुछ दिखाएंगे आपको। गाइस आप हमारे वीडियो का पूरा आनंद जरूर लीजिएगा बस। गाइस फाइनली हम लोग चौकी तक पहुँच चुके हैं, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए पहुँच चुके हैं। गाइस ये देखिए ये यहाँ पर चौकियाँ हैं गाइस, ये देखो ये चौकी है, ये रिपोर्टिंग चौकी शारदा बैराज थाना बनबसा चंपावत है। फिर गाइस यहाँ से हम लोग अब बिल्कुल पहुँचेंगे, ये देखो पुल है गाइस, ये पुल है, यहाँ से ये पुल है गाइस। फिर यहाँ से हम लोग पहुँचने के बाद अब हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे गाइस, हम दिखाते हैं बैक कैमरे से कैसे बॉर्डर क्रॉस करना है। ये यहाँ की आंटी जी हैं, नेपाल की हैं आंटी जी आप, ये आंटी जी हैं नेपाल की हैं, ये ये यहाँ पर हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। फिर भी आपको दिखाते हैं कैसे बॉर्डर क्रॉस होगा, बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं, ये यहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस कर रही हैं, बॉर्डर से छोटा सा निकलने के लिए बनाए हैं।
सब लोग नेपाल की गाड़ी हैं, यूके की भी कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, क्योंकि जो इस बार गए थे टहलने के लिए। ये काफ़ी भीड़ है गाइस, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि पहले गाड़ियाँ निकल जाए फिर हम लोग निकलते हैं। ये गाड़ी है जो नेपाल का नंबर है, भाई लोग नेपाल के हैं। अब हम लोग बॉर्डर से अंदर जा रहे हैं इससे गाइस। ये देखो हम लोग आ गए नेपाल बॉर्डर में। अब ये देखो नेपाल बॉर्डर का मानचित्र है गाइस। ये उधर से नहर आई है, ये नहर है गाइस, ये सॉरी नदी है गाइस, और नदी से फिर आगे ये नहर निकल गई, ये नदी सीधे चली गई है। ये गाइस नदी सीधे चली गई है, फिर बाद में इधर इसी से शारदा नहर यहीं से निकली हुई है गाइस। ये नदी है, ये देखिए घाघरा नदी से कहा जाता है गाइस। ये देखो आगे चलो बेटा, चलो सब लोग आओ भैया। ये मानचित्र बना हुआ है शारदा बैराज का, देखो ये मानचित्र है गाइस। ये फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे आगे घाघरा। गई है गाइस देखो, ये देखो नहर चली गई, सीधे नहर चली गई। तो ये यहाँ पर इसका बैरियर है, यहाँ से पानी निकाला जाता है गाइस। ये हम लोग नेपाल सीमा में जा रहे हैं गाइस, धीरे धीरे एकदम से नेपाल सीमा में हम लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर तो क्रॉस करा है, पर इसके बाद ये नहर पार करने के बाद से एकदम नेपाल पड़ जाएगा। उधर सब नेपाल है, नेपाल में हम लोग घूमेंगे टहलेंगे वहाँ पर देखेंगे। ये देखो गाइस, गाइस हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पर आप ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो का आनंद पूरा लीजिएगा। हम बहुत गाइस हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं गाइस, ये देखो नेपाल जो है ब्रिटिश काल में, देखो ब्रिटिश काल में 1920 से 1928 के मध्य शारदा बैराज बनबसा के निर्माण है सामग्री एवं कर्मचारियों को ले जाने वाले के लिए। देखो ये रेल इंजन का, यही रेल इंजन पहले चलता था गाइस। पहले ये देखो यहाँ से पटरियाँ थी, ये देखो गाइस, ये देखो गाइस पटरियाँ थी, ये कुछ पटरियाँ देखो उधर से निकली हुई हैं सामने से, देखो वो गाइस चली गई हैं पटरियाँ उधर से, मतलब इंडिया में भी चली गई। ये गाइस इधर नेपाल का रास्ता ये गया हुआ है, ये देखो, और इधर भी नेपाल है थोड़ा, तो इधर कुछ गांव हैं कुछ गांव इधर हैं गाइस। ये देखो पानी का बहाव है, ये पुल से देखो नदी का गाइस, ये पानी का बहाव है, ये देखो ये पुल से, अरे बहुत ही डरावना लग रहा गाइस, देखिएगा देखिएगा गाइस, बहुत ही डरावना लग रहा है, बहुत ही डरावना यहाँ पर डर लग रहा है एकदम, बिल्कुल दहशत है गाइस यहाँ पर निकलने में। क्योंकि पानी का गाइस वेग जो है बहुत ही तेज है, क्योंकि ये पहाड़ियों से पानी आता है, तो नीचे एकदम से ढलान है ना, तो इसलिए बहुत ही तेज पानी का बहाव है गाइस। यहाँ पर लोग जो नेपाली लोग हैं जो वो आ रहे हैं भारत को, कोई सामान किसी को लेना होगा कुछ लेना हो तो इसी रास्ते से गाइस आते रहें और अपना सामान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर टनकपुर मार्केट बहुत ही नज़दीक पड़ते हैं, और देखा जाए तो नेपाल के लोग जो हैं उनको ज़रूरत की सामान टनकपुर में ही मिलती हैं, तो गाइस टनकपुर से ही आते हैं, टनकपुर आते हैं लोग नेपाली। ये देखो सामने ये नदी है, बहुत बड़ी नदी है गाइस। हमारे वीडियो पर बने ज़रूर रहिएगा, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको दिखाने वाले हैं गाइस, बहुत मज़ा आएगा, वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा गाइस, वाच ज़रूर करिएगा वीडियो का, पूरा पूरा आनंद लीजिएगा गाइस। थैंक यू, धन्यवाद, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बने रहिएगा हमारे चैनल पर, तब तक कि हम दिखा रहे हैं आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको।
गाइस हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर आए हैं। गाइस ये अब यहाँ पर यहाँ से नेपाल सीमा प्रारंभ हो चुकी है। अब ये नेपाल प्रारंभ हो गया गाइस, पीछे नेपाल निकलना है। यह गाइस देखो पीछे पीछे का नज़ारा देखो गाइस, जूम कर रहे हैं। यह बॉर्डर का ये यहाँ से लोग मतलब इंडिया के अंदर जाते हैं, इधर पीछे जाते हैं, इधर हम लोग नेपाल से मयम नेपाल है गाइस। ठीक है गाइस, आप हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट करें। जय हिंद सर। वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा, पूरा वीडियो आनंद लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। हम लोग बॉर्डर के काफ़ी अंदर आ गए हैं गाइस। गाइस लगभग हम 1 किलोमीटर चलने के बाद हमें ये गेट मिला। ये गेट है, ये देखो यहाँ पर ये नेपाल बॉर्डर के अंदर है गाइस, और यहाँ का नेपाल का झंडा लगा हुआ है गाइस। और हम अभी आगे का वीडियो और दिखाते हैं, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। आप हमारे वीडियो हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा, सबसे अच्छे सबसे खूबसूरत वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। ये देखो यहाँ से पहाड़ी दिख रही पीछे गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ पर, एकदम मालूम हो रहा है कि स्वर्ग में हम लोग बैठे हुए हैं। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला गाइस। वीडियो का वॉच टाइम पूरा ज़रूर करिएगा, बीच वीडियो पूरा वॉच ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो बाद में पछताएंगे कि काश जय हिंद सूरज ब्लॉग का वीडियो देख लिया होता, हमें नेपाल की यात्रा का पूरा वीडियो मिल गया होता। आप यही सोचते रह जाएंगे, वीडियो न देखा तो हसरत रहेगी, जुबा पर हमेशा शिकायत रहेगी। गाइस वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस। हम दिखाने वाले हैं आपको भारत का आखिरी पिलर, ये है गाइस भारत का आखिरी पिलर। हमारे टीम के कुछ मेंबर हैं जो बताएंगे इसके बारे में। यह है भारत का आखिरी पिलर, यहाँ से अब बिल्कुल नेपाल जो है नेपाल चालू हो गया है, और सीमा तो पहले ही प्रारंभ हो गई थी गाइस, पर अब यहाँ से हम लोग एकदम नेपाल के अंदर हैं। ये सब नेपाल की धरती है गाइस। वीडियो का आनंद गाइस पूरा ज़रूर लीजिएगा, नहीं आप यही कहेंगे कि वीडियो नहीं देखा, काश सूरत ब्लॉक वाला वीडियो देख लेते, बहुत ही अच्छा नेपाल का वीडियो मिल जाता गाइस। तो इसीलिए आप गाइस ब्लॉक ज़रूर देखिएगा। आगे नेपाल के आर्मी हैं, बंद करो। हम लोग अब पहुंच चुके हैं श्री सिद्धनाथ मंदिर नेपाल में। यहाँ पर दिखाएंगे नेपाल में श्री सिद्धनाथ मंदिर में, यहाँ भोले शंकर का मंदिर है ये। यहाँ पर हम लोग पूजा अर्चना करके आ चुके हैं। ये यहाँ पर राधे कृष्ण जी का मंदिर है, दरबार है राधे कृष्ण जी का। ये पूरा मंदिर यहाँ पर है नेपाल में। ये श्री सिद्धनाथ जी भोले शंकर का मंदिर है यहाँ पर। अब अंदर ज़्यादा अलाउ नहीं है तो मंदिर का दिखाते हैं आपको। ये नज़ारा है नेपाल का, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस। आप वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा, हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाने वाले हैं आपको गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। गाइस देखो गाइस, आप वीडियो का आनंद ज़रूर पूरा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाइस वीडियो होगा। गाइस हम लोग फाइनली नेपाल पहुंच चुके हैं। नेपाल में यहां पर देखो नेपाल प्रहरी विशेष सूचना गढ़ है यहां पर, वेस्ट कैंप ये यहां पर।
और ये यहाँ का मेन चौराहा है, देखो ये महेंद्र नगर है, महेंद्र नगर चौराहा है। और गाइस देखो यहाँ पर पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, इसी के यहाँ पर घर बनते हैं पत्थरों के। क्योंकि गाइस यहाँ पर ईंट गारा का प्रयोग बहुत ही कम होता है, यहाँ पर पत्थरों से ही घर बनाए जाते हैं, पत्थर पे सीमेंट लगा करके वही जैसे बनाते हों, इसके बारे में फैमिली में पता है नहीं ये। गाइस वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, वीडियो का बहुत ही आनंद, बहुत ही अच्छा आनंद होने वाला है, वीडियो बहुत बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला। गाइस देखो ये मेन चौराहा है जैसा हो, पर ठीक ठाक है, जैसे इंडिया में होता वैसे ही यहाँ पर है। ये यहाँ के कोई विशेष होंगे तो उन्हीं का की प्रतिमा लगी हुई है, ये बिल्कुल सब हर चीज़ इंडिया ही जैसा है गाइस, कुछ बदला हुआ भी नहीं है, पर जो है सो अच्छा है। यहाँ पर नेपाल के अगर 10 रुपये हुए, इंडिया के अगर 10 रुपये हुए तो नेपाल में 16 के बराबर चलते हैं गाइस। और काफ़ी कुछ देखो सब रेट भी सेम है लगभग, क्योंकि लोग जानते हैं कि इंडिया से लोग टहलने आते हैं तो महंगाई भी देते हैं इंडिया वालों को। गाइस ये यहाँ पर टावर है, देखिए जैसे इंडिया में टावर होता है वैसे यहाँ पर है, सेम चीज़ इंडिया जैसी ही गाइस मिलती हैं, कोई चीज़ अलग नहीं है गाइस, सब कुछ। देखो यहाँ पर भी चाउमीन सेंटर वगैरह देखो है, बहुत कुछ है, जैसे इंडिया में चाट वगैरह मिलती है वैसे भी यहाँ भी पानी बतासे हैं, चाट है, सब कुछ मिलता है, वैसे ही सेम टू सेम, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, बस यहाँ की सभ्यता थोड़ी बहुत अलग है, भाषा भी थोड़ी बहुत अलग है, बस और कोई भी फ़र्क नहीं। जैसे इंडिया में नाम होते हैं वैसे यहाँ पर भी देखो नाम ही है, ये यहाँ पर ये आपका टेलीकॉम ऑफिस है गाइस, यहाँ पर रिचार्ज के लिए सिम भी मिलती हैं और रिचार्ज भी यहाँ पर होता है, देखो सब कुछ नाम वगैरह सेम है, दुकान भी सेम है। यहाँ पर ऐसे अगर किसी कोई लोग घास वगैरह लेने आते हैं, देखो घास कैसे यहाँ पर लेकर के आते हैं, देखो देखो गाइस देखो गाइस बिल्कुल सेम है यहाँ का, मतलब कुछ यहाँ का सिस्टम ही अलग है गाइस। को तो बहुत सस्ता है पर यहाँ पर बहुत महंगा है गाइस, देखो ये कोक है 200 ml की, यहाँ पर 30 रुपये की इंडियन पड़ती है। और सबसे ऐसी की बात तो ये है कि यहाँ पर जो दारू है, दारू हम लोगों को मिल रही थी 30 रुपये की दारू, और यहाँ कोल्ड ड्रिंक तो 30 रुपये की छोटी सी मिलती है, आप सोच लीजिए दारू सस्ती है कि कोल्ड ड्रिंक सस्ती है। तो भाई हम लोग जैसे ड्रिंक वगैरह करते नहीं, यहाँ पर जो लोग करते हैं तो उनको तो बहुत आराम है, वो आए उनको तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वो लोग आए हैं दारू पिए, दारू बहुत सस्ती पड़ती है यहाँ पर, 30 रुपये से लेकर के 50, 100, 150 जैसे लेंगे ये वाली कोल्ड ड्रिंक इंडियन 30 रुपये की प्रिंट, इसमें 50 पड़ा है, यहाँ नेपाली प्रिंट है जो 50 रुपये का है। गाइस अभी हम आपको सभी चीज़ों के रेट बताते हैं लगभग, फाइनली हम लोग डिसाइड करके, हमारे राधे श्याम दोस्त जी हैं अभी इनसे पूछे कितने की पड़ी है प्रिंट, इसमें गाइस देखिए प्रिंट है इसमें 50 रुपये का नेपाल की, ये ऊपर लिखा हुआ इसमें मिट गया भाई, ये हाँ ये देखिए छोटा छोटा देखो पड़ा हुआ, उसमें नहीं दिखेगा कैमरे में, अब कैमरे में नहीं दिखेगा नहीं तुम दिखाते, ये 50 रुपये का प्रिंट इसमें पड़ा हुआ, यहाँ के नेपाल के 50 पड़ते हैं और इंडियन 30 रुपये के, ये अपने आप 20 रुपये की मिलती है इंडिया में। गाइस वीडियो का आनंद पूरा लीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, देखिएगा जरूर आप लोग। ये यहाँ की गाइस मार्केट है, देखो ये मार्केट है यहाँ की, बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पर रेट देखेंगे तो बताएंगे आपको क्या क्या रेट है, वीडियो पर तब तक की बने रहिएगा, देखते हैं गाइस। टहलते दूसरा चौराहा आ गए हैं, दूसरा चौराहा हम लोग आ गए हैं, अब यहाँ से आगे की यात्रा निकाल लेंगे, आगे के लिए जाएंगे, अब देखो खाने के लिए। ये भाई यहाँ पर चाउमीन है जो, तो 30 रुपये आपके यहाँ के पैसे के कितने की है चाउमीन, ये आपके पैसे की चाउमीन है कितने प्लेट है, कितने की हाफ प्लेट जी, 50 की यहाँ के 50 की है,
और हम लोगों के यहाँ की ये 35 रुपये के देते हैं, जो इंडियन रुपये देता है 35 रुपये की। ये यहाँ पर पानी की बोतल है, ये बोतल ये 35 रुपये की है, यहाँ पर 50 की यहाँ के लोग के लिए है। और ये जो अपने यहाँ कोल्ड ड्रिंक 15 रुपये की बिकती है, वो कोल्ड ड्रिंक यहाँ पर स्प्राइट ये छोटी वाली ये 50 रुपये की है। चलो आगे इसका ब्लॉग दिखाते हैं हम आपको, अगर बहुत ही अच्छा लगेगा आप वीडियो का आनंद ज़रूर पूरा लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा, आप वीडियो का आनंद ज़रूर पूरा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा। अब हम लोग घूम टहल के लास्ट में नेपाल बस स्टॉप पर आ गए हैं, पीछे हमारे बस स्टॉप दिख रहा है, नेपाल का बस स्टॉप है गाइस। अब हम लोग फाइनली फिर इंडिया पहुंचने वाले हैं गाइस। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।